भगवान बुद्ध ने कहा है, शरीर ही सभी दुखों का कारण है, क्योंकि शरीर है तो जीवन है और जीवन है तो जंजाल है। इसी जंजाल में जब इंसान भरता है अपनी फितरत के रंग, तो घटती है घटनाएं, बनती हैं कहानियां। भाव और प्रभाव के प्रखर रंगों से सजी सांवरी वो कहानियां जो कलम की कुची का प्रबुद्ध स्पर्श पाकर बन जाती है साहित्य की अनमोल धरोहर। जीवन के दर्पण का एक ऐसा ही मर्मस्पर्शी प्रतिबिंब है ये कहानी। मदद कीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। सर प्लीज हेल्प मी सर। एक मिनट रुकना भाई। थैंक यू सर, मे गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, चल। अपन उस छोकरी को बराबर जानता है साहब। छोकरी? कौन सी छोकरी भाई? जिसको अभी आपने पैसा दिया। आप तो पैसा दे के भूल गए साहब, लेकिन अपन तो उसको बराबर जानता है साहब, एकदम सर से पांव तक। हाँ। सर से पांव तक मतलब? मतलब साहब उस छोकरी का फुल स्टोरी जानता है अपन। हाँ, फुल। झूठ नहीं बोलता है साहब, और काय को बोलेगा, झूठ काय को बोलेगा। अपन कोई चोर स्मगलर तो है नहीं, कोई लीडर मिनिस्टर तो है नहीं, झूठ तो वही लोग बोलते हैं ना। साला साहब, आजकल तो सब रिलीजियस लोग का एक ही धंधा है, झूठ बोलने का, बस यही। समझ गया, इसका मतलब वो सब झूठ बोल रहे हैं, अकेले तुम सच बोल रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और काय को बोलने का झूठ। हाँ देखो साहब, अपुन एकदम छोटा आदमी है, टैक्सी चलाता है, बराबर दारू पीता है, गुंडा लोग से मारामारी करता है, और झूठ कभी नहीं। हाँ साला, दारू पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलता है अपुन, नॉर्मल में कैसे बोलेगा क्या? तुम उस छोकरी के बारे में क्या बोल रहे थे? अरे मैं क्या साहब, वो छोकरी को जो भी जानता है ना, वो भी वही बोलेगा जो मैं बोलता है। जो पैसा मांग रही थी ना अभी आपके पास, एकदम हलकट छोकरी है साहब, एकदम हलकट छोकरी। ये वो उसके ड्रेस वगैरह देख के कोई भी धोखा खाएगा। ये छोकरी एकदम हाई क्लास फैमिली वाली नजर आती है, एकदम टिप टॉप इंग्लिश स्पीकिंग। मैं इसको पहचानता है साहब, एकदम बराबर पहचानता है। साला प्योर प्रोस्टिट्यूट, एकदम भंकर छोकरी है साहब वो। Are you sure? उसको देखकर तो नहीं लग रहा था। बोला ना साहब, उसको देख के कोई भी धोखा खाएगा, कोई भी। अंदर ही में रहती है, चाल में। बाप नहीं है, सिर्फ माँ है, सिर्फ माँ। लेकिन माँ बेटी दोनों भी साली प्रोस्टिट्यूशन करती है, दोनों भी। अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेगी और फिर बीटी कोलाबा नहीं तो मरीन ड्राइव पे खड़ा होकर ग्राहक पटाएगी। जिसम बेचती है साहब, जिसम। उसके बारे में तुमको कैसे इतना मालूम है? बताएगा सब साहब, आपको पूरा स्टोरी बताएगा। दादा रहने से पहले आपको पूरा स्टोरी बोलेगा उसका। आपको मालूम है साहब, जिस दिन ग्राहक नहीं मिलेगा ना उसको,
उस दिन पर्स चोरी हो जाने का नाटक करेगा वो, और फिर आप जैसा भोला आदमी के दिल में प्रीति पैदा करके पैसा मांगेगा। मतलब वो माँ की बीमारी वाला वो सब झूठ है? अरे 100% झूठ, एकदम झूठ। आपको बोलता है साहब, अपन अपने पैसेंजर के साथ कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी चीट नहीं करेगा उसको, दूसरा टैक्सी वाला करता रहेगा, अपन कभी नहीं करेगा। अरे क्या साहब, थोड़ी देर का साथ है तुम्हारा हमारा, फिर आप किधर मैं किधर, और कभी मिल भी गया तो आप हमको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्या? नहीं नहीं, मैं उस लड़की को जरूर रिकॉग्नाइज करूंगा, और तुमको भी, क्योंकि तुमने आज मुझे सावधान किया। एक बात बोलता है साहब, बुरा नहीं मानने का, आप जैसा एजुकेटेड आदमी को फूल बना के चीट कर दिया उस हल्के, आप सोचता है चलो थोड़ा बहुत पैसा देके कोई अच्छा काम किया, गलत को सहारा देके कोई अच्छा काम नहीं होता है, कोई अच्छा काम नहीं होएगा। अभी आपने 50 का नोट किसी में से निकाला उसको दिया है ना, ये एकदम हंस कर आपको थैंक यू बोली, फिर आप भी खुश होकर उसको नेवर माइंड बोला। बोला कि नहीं? लेकिन आपको मालूम है साहब, अभी उस 50 रुपए से वो अपनी माँ का इलाज नहीं साहब, अभी खुद का इलाज करती होएंगी, इसे आंटी के अड्डे पे बैठ के दारू पीती होएंगी, 20 रुपए का दारू, 20 रुपए का खाना, और 10 रुपए का मटका खेलेगी, और फिर खलास होके किधर भी उबा होके गिराइक पटाएगी साली। तुमको उस छोकरी का एक एक हरकत मालूम है साहब, एक एक हरकत मालूम है उसका। उस लड़की के इतने डिटेल तुम्हें मालूम है, तो फिर पहले क्यों नहीं रोका पैसे देते वक्त? डिटेल तो अपन को इससे भी जस्ट मालूम है साहब। और एक बात बोलता है आपको, एक अगर अपन उस टाइम पे आपको रोकता तो क्या आप मेरी बात मानता? हाँ नहीं ना? फिर अरे साहब, अभी अपन उसका होल स्टोरी बताते हैं आपको एकदम। क्या हो गया? एक दिन वो छोकरी एक मोटा सेठ के साथ इधर अपन की टैक्सी में आके बैठी होती है, जो लुकिंग ग्लास है ना साहब, इसमें से आप उनको पीछे वाला का नजारा दिखता है। कहने पर साहब, एक बात में मेरे बारे में यहाँ, और एक बोलता है आपको, आप जैसा अकेला पैसेंजर है ना बैठा होएगा तो ही अपन उसके साथ बात करते हैं साहब। हाँ, कोई कपल बैठा रहेगा ना अपनी गाड़ी में तो अपन एकदम सीधा देख के गाड़ी चलाता है, एकदम सीधा देख के। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन वो छोकरी किसी सेठ के साथ तुम्हारी टैक्सी में बैठ, आगे क्या हुआ? अभी वही तो बोलता है ना साहब, अभी औरत मरद साथ में होएगा तो ऐसा वैसा हरकत करेंगे इसने क्या, यंग लवर्स बैठेगा तो हंसता है बोलता है, कभी किस करता है, खबर तो होता है भी। आप उन कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया कभी? बराबर बराबर, तुम तो बहुत प्रिंसिपल वाले आदमी लगते हो, आगे क्या हुआ? आपको भी सुनने का बहुत उतावली हो गया क्या? क्या वो छोकरी उस सेठ के साथ किसी बड़ा होटल में गया होएगा, अच्छा अच्छा दारू पिया होएगा, अच्छा अच्छा खाना खाया होएगा, और फिर आधी बेहोशी में आधी होश में इधर अपन की टैक्सी में उस सेठ के साथ आके बैठ, रात का कोई 12-1 का टाइम होएगा। कर बैठ, ये कंधा इस पर सिर्फ मेरी बीवी का हक है, तेरा नहीं, समझे? क्या बीवी? मिस्टर क्या नाम था? व्हाटएवर, राइट नाउ आई एम एज गुड एज योर वाइफ। क्या हुआ ऐसे? आज रात तेरी बीवी घर पे नहीं है ना? हाँ हाँ, कीप अवे फ्रॉम मी, मैं तुम्हें अपने वास्ते नहीं किसी और को खुश करने वास्ते लेकर आया हूँ। क्या? How dare you? You pig! क्या तुम मुझे पिग बोली? दो ढके की छोकरी और तेरी ये मजाल कि तुम मुझे पिग बोले? हाँ हट साला, तू मेरे को मारा मारा कैसे साला? हट ऐसे, अरे टैक्सी में मारा मर नहीं करने का। हट ड्राइवर, टैक्सी रोको, रोको टैक्सी, हट।
गेट आउट आउट। जास्ती आवाज काई को करता है, मेरा पैसा निकाल। कैसे पैसे है? मैंने क्या किया है? उल्टा तेर पर खर्चा किया है, दारू पिलाया, खाना खिलाया। हाँ, अपनी मर्जी से खर्चा किया, खाना खिलाया, दारू पिलाया, मेरा पैसा निकाल। अरे अब काय के पैसे मांगती तू, चल फूट यहाँ से, भाग, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर मांगना उन्हीं से तू पैसा। ए सेठ, अरे साला डेड नाइट में ऐसी जवान छोकरी को इधर छोड़ेगा, उसको कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी तू लेगा क्या? ए, तुम चुप रहो। काय को चुप रहने का, चुप काय को रहने का? अरे साला दारू पीला अकेला छोकरी इधर रोड पे गिर जाएगा, कोई बदमाश लोग आके उठा के लेके जाएगा तो साला पहले तेरे को मैं पुलिस के हवाले करेगा। यू यू शट अप। अरे तेरी तो बहुत अंग्रेजी छाड़ता है तू, चल चल बाहर निकल, बारा चल बारा। क्या करता है चल, उस छोकरी का पैसा दे और मेरा भाड़ा दे, फिर जा जन्म में। चल जलील इंसान, लगता है तू इसका दलाल है, मैं तुझको भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे तू जिसको बुलाने का ना बुला ले, चल पहले लड़की के पैसे निकाल, निकालता है कि नहीं, निकालता है कि नहीं, निकाल निकाल, नहीं नहीं दूंगा। अपुन का नाम है, नाम है अपुन का भिकाजी, भिकाजी सोनावने, गाड़ी का नंबर है 4306, समझा गया? पुलिस क्या, पुलिस के बाप को भी बुला के लेके आएगा ना तो भी चलेगा, समझा गया? चल निकाल निकाल, लड़की के पैसे निकाल और मेरा भाड़ा निकाल। देता हूँ भाई देता हूँ। कत लेगा ना तो साला हड्डी तोड़ के इधर रास्ते पे डाल देगा। चल निकाल, हाथ तो छोड़ो। ए देखता क्या, दे तो रहा हूँ यार, चला जल्दी, खामो खामे मारता है। और उस लड़की के पैसे कौन देगा? तेरा बाप। चले चल। मेरा बाप नहीं, मैं ही दे रहा हूँ, ले ले। किधर जाने का तेरे को? चल बैठ, चले बाजवा चल। अबे हटना चल। आम के वक्त कैसे कैसे गुंडे मवालियों से पाला पड़ा, आम तो हुआ नहीं, सभी चला गया। थैंक यू ब्रदर, तुम हमारा हेल्प किया। अरे हेल्प योर सेल्फ सिस्टर, अच्छा खानदान का एजुकेटेड लड़की लगता है तुम, या ऐसे वाला काम नहीं करने का? ये काम कोई अपने शौक से थोड़ी ना करता है ब्रदर, मेरा भी मजबूरी है, घर में बाप भाई कोई नहीं है, सर्विस मिलता नहीं है और शादी मुझसे कोई करता नहीं है, माँ को अकेला छोड़ के सुइसाइड भी तो नहीं कर सकता ना, क्या करेगा, जिंदा रहने के लिए तो ये करना ही पड़ता है ना, और दूसरे धंधे के माफिक ये भी देख धंधा ही है ना। ए, प्रोस्टिट्यूशन को अपन धंधा मानता ही नहीं है, कल कोई भी चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, मर्डर करने वाला बोलेगा कि आप उनका धंधा ही करके। धंधा वो होता है जिसमें जिसमें इज्जत मिलता है, ईमान का दो रोटी मिलता है, तसल्ली मिलता है दिल को, समझी क्या? फिर भी अपन तेरा हेल्प करने का कोशिश करेगा, कोई छोटा मोटा काम दिलाएगा तेरे को, जिस्म बेचने से अच्छा है मेहनत का कमाई कमाओ, मेहनत बेचो, पैसा कम मिलता है मेहनत में पर अपना इज्जत तो बचा के रख सकता है ना तुम। हा? थैंक यू ब्रदर। क्या साहब, ठीक बोला ना आपने? हाँ ठीक बोला, सचमुच उसूल के पक्के आदमी। पर क्या फायदा साहब, आजकल कोई ये बात नहीं समझता, अपन भी ग्रेजुएट है ना सब, ग्रेजुएट। हाँ, 4 साल नौकरी के वास्ते धक्का खाया, फिर टैक्सी टैक्सी चलाना सीखा और टैक्सी ड्राइवर बन गया, छोटे भाई बहन को एजुकेशन दिलाया, उनका मैरिज बनाया, अब उनका मैरिज बनाया, 2 बच्चे हैं अब उनको सब, 2, अभी उनको भी खिलाने पिलाने का, अच्छा एजुकेशन देके एकदम सच्चा मानुष बनाने का क्या? अब एक बात बोलते हैं साहब आपको, अपन टैक्सी ड्राइवर है, चोरी नहीं करता है, स्मगलिंग नहीं करता है, पॉकेट नहीं मारता है किसी का, मर्डर नहीं करता है,
कोई भी खोटा धंधा अपुन नहीं करता है साहब। बहुत अच्छे विचार है, लेकिन लगता है उस लड़की के लिए कोई काम धंधा नहीं जुटा पाए। धंधे वाली कोई दूसरा धंधा कभी हजम ही नहीं होता है साहब। एक बात बोलता है साहब, खाली फिल्मी स्टोरी का ही क्लाइमैक्स नहीं होता, अपुन का स्टोरी का भी क्लाइमैक्स होता है। उस दिन मतलब उस रात को एकदम खुशी से अपुन घर लौटा, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह काजी सोनाओं ने कौन है? आप हैं क्या? बात है साहब। अच्छा आप हैं, चलो गाड़ी में बैठो चलो। क्या हुआ क्या? लेकिन साहब क्या हुआ? हाँ। साला लड़की सप्लाई करता है और पूछता है क्या हुआ। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, आप उनका टैक्सी है, टैक्सी चलाता है अपन। अच्छा टैक्सी हाँ। चलाता है फिर? और उसमें लड़की सप्लाई करता है? चल 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 अंदर चल। मगर साहब क्या ऐसे? अगर मगर क्या है, एक तो लड़की सप्लाई करता है, ऊपर से बड़े बड़े सेठ लोगों से पंगा लेता है। चल चल घेरे घेरे चल इसको चल। अरे सुन मेरा से अंदर इसको। अरे चल रे साहब, अपुन बोलता है। अरे अपुन ने कुछ नहीं किया, मैं बोलता है ना अपुन, मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो छोकरी है ना। ठीक है सुन लिया मैंने। तो अरे आप सुन लो साहब, आप तो सुनो। अरे लेकिन कुछ किया ही नहीं है साहब आपने, अपने कुछ नहीं। अरे हाथ नहीं, हाथ मत लगा सब। देखो अरे मैंने बॉल क्या किया बॉल। अरे हाँ साहब, जी साहब अंदर डाल दिया। अरे साहब साहब ओके जी। अरे अरे मैं देखो हाथ नहीं लगा रहा साहब। अरे चल बाहर चल। क्या रे क्या लग, तेरे बाप का राज है यहाँ पे? क्या हुआ? साला सेठ को मारा, उसको लूटा और पूछता क्या हुआ। लड़की की दलाली करता है, शर्म नहीं आता तुम्हें? दलाली नहीं करता। चुप चुप। तुमको मालूम है तुमने किससे पंगा लिया? बहुत इज्जत वाला आदमी है वो, बहुत बड़ा कनेक्शन है उसका। दंगा, लूट, दलाली, ये सब चार्ज लगे तुम पे, हैं? चलो भाग भाग दिया ले। बाद में मेरे को मालूम हुआ, वो सेठ साला पॉलिटिकल कनेक्शन वाला था, वही चीफ मिनिस्टर को मेरा शिकायत किया होगा। अरे होने तो ना, चीफ मिनिस्टर का चमचा साला खुद गलत काम करता है और अपुन का शिकायत करता है क्या? देख भिकाजी ठंडे दिमाग से सोच ले, वो लोग हाथी है हाथी और अपुन लोग सादा आदमी मामूली। देख तू आड़ीबाजी करेगा ना तो वो लोग भी तेरे को त्रास देंगे, परेशान करेंगे। मानता है अपुन छोटा मानस है विक्रम, एकदम छोटा मानस है, पर अपुन कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो डरने का काय को? देख तेरी बात सही है, लेकिन अभी मेरी बात भी ध्यान से सुन ले। वो चीफ मिनिस्टर का आदमी मेरे को मिल के गया और वो सेठ का पता भी देके गया, ये देख और बोला है कि भिकाजी को बोलो इस एड्रेस पे जाके सॉरी बोलने को, माफी मांगने को, ये केस वही के वही खत्म हो जाएगा, नहीं तो वो सेठ भिकाजी पे क्रिमिनल केस डालेगा और बरस 6 महीने के लिए अंदर करवाएगा। क्या बोलता है? माफी काय को मांगेगा विक्रम भाऊ, अब कुछ गलत काम किया है क्या? बोलो किया है गलत काम कुछ? अरे वो साला सेठ अपना फायदे का वास्ते छोकरी लोग सप्लाई करता है, मालूम तेरे को? खाना खिला के दारू पिला के छोकरी पटाता है, इंसल्ट करता है उनका, हाथ उठाता है उनपे, आधी रात को छोकरी लोग को मरने के वास्ते रोड पे छोड़ देता है, पैसा मांगता है छोकरी लोग तो उनको पैसा भी नहीं देता है। वो साला सेठ क्रिमिनल नहीं, ये साला भिकाजी क्रिमिनल है क्या? शांत हो जा भिकाजी शांत हो जा। देख मैं जानता है तू सच्चा इंसान है, बड़ियान वाला है, लेकिन भिकाजी ये सिस्टम ऐसा है यार, क्या करेगा क्या करेगा बोलना, अक्खा काम उल्टा चोता यहाँ पे। सिस्टम ऐसा ही है तो अपुन का ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए विक्रम भाऊ, नहीं चाहिए। अपुन जेल जाएगा विक्रम भाऊ, लेकिन उससे माफी नहीं मांगेगा, पहले बोलता है। हाँ
सारा तो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। ठीक है, मैं वकील के साथ बात करता है, देखते हैं क्या हो सकता है। तो अपना ख्याल रखना है, ये दिमाग से गुस्सा निकाल दे। विक्रम भाव को आप उनका नेचर एकदम बहुत अच्छी तरह मालूम था साहब। वो वकील से बात किया, वकील बोला अगर वो छोकरी भिकाजी का हक में सेठ के खिलाफ गवाही दे तो भिकाजी छूट सकता है। वो सही बोला, छोकरी की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ, विक्रम भाव उस छोकरी को बहुत तलाश भी किया, उससे गवाही का बात किया, वो तैयार कौन हो गई गवाही देने को। पर जब गवाही देने का टाइम आ गया ना साहब, क्या बोलूं आपको अभी। क्या हुआ, वो आई ही नहीं। आई ना साहब, आई ना, बड़ा पर आई, पर साली सेठ से पैसा खा के आप उनके खिलाफ गवाही दिया। आउटसाइड बिकट। देखो, जो लड़की पैसे लेकर अपना जिस्म बेच सकती है वो पैसे लेकर अपना ईमान तो आराम से बेच सकती है। एकदम बराबर बोला साहब, एकदम बराबर बोला। सेठ ने 6 महीने के वास्ते मेरे को अंदर कराया, वो साली हलकट लड़की अपुन को चीट किया साहब, एकदम चीट किया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ भिकाजी। हाँ, पर अपुन को उसका गम नहीं है साहब, बिल्कुल गम नहीं है। अपुन किया वो एकदम सही किया। हाँ, क्या करेगा, सिस्टम ही ऐसा है ना। हाँ, जेल से बाहर आने के बाद एक बात बोलते हैं आपको साहब, एक बार वापस उस छोकरे को मिलने गया आप। ए, टाइम खोटी मत कर, चलना निकल, चलना निकलना, बोला ना नहीं, बोला ना नहीं, चलना है। ए देख, कस्टमर आ रहा है, चलना निकल। अरे जाना, हट। हाँ, भिकाजी क्यों भाई, उस दिन तुम अपुन को बोल रहा था कि तुम भी अपुन के माफिक धंधा करता है। हा? एक बात सुनो, तुम धंधा नहीं करता है, हराम का कमाई खाता है तुम साला, हराम का कमाई खाता है तुम, जिस्म नहीं बेचता है खाली, अपना जमीर तक बेचता है साला तुम। तुम खल्लास औरत है, तो औरत नहीं साला, औरत के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। भिका जी, अब मेरी सुन, देख उस दिन मैं लफड़ा किया सेठ के साथ, गलत किया, तू लफड़ा किया, गलत किया। मर्द औरत के बीच में टैक्सी ड्राइवर नहीं बोलना मांगता है, क्या समझा, ये दुनिया में कितना बुरा बुरा होता है तो किधर किधर जाके लफड़ा करेगा। ये जमाना मुंह बंद करके रखने का, मेरी माँ बोलती है लाई लो एंड कीप क्वाइट, समझा। यू लाई लो एंड गेट, आई शैल नॉट कीप क्वाइट, आई शैल नॉट। हैट्स ऑफ टू यू भिकाजी, हैट्स ऑफ, तुम हार कर भी जीत गए। अब जिस पर सभी थूकते हैं उस पर तुम भी थूकने के सिवा और क्या कर सकते हो। यही वास्ते मैं आपको बोला ना साहब, पर छोकरी साली हलकट, एकदम हलकट, एकदम। वो दिन के बाद अपन उस छोकरी को एक नाम पड़े लाए साहब। क्या लाए? लो लाए लो।